अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्वीट डिश। आज जो है विंटर स्पेशल, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक बन जाता है। आप लोग सभी गाजर का हलवा बनाते होंगे और सब अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। आज मैं आपको अपने तरीके से सिखाती हूँ, तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए जो है मैंने 1 किलो गाजर ले लिया था। मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। मैंने इसको जो है चॉपर में किया है। आप इसको जो है हैंड ग्रेटर से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ले ली है चीनी। चीनी मैंने जो है 1 कप ले ली है, और अगर हमें आगे रिक्वायर्ड हुई तो हम और ऐड कर देंगे। 1 किलो मैंने ले लिया है दूध। मैंने इसको कर लिया है बॉयल। मैंने अभी फ्रेश मिल्क लेकर फ्रेशली जो है मैंने इसको बॉयल किया था। 1 किलो दूध के अंदर मैं 1 किलो ग्रेटेड गाजर डाल रही हूँ। गाजर के साथ ही जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 कप चीनी। बस इसी के अंदर जो है ये पकता रहेगा, और जब भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम इसको भून लेंगे। फिर हम इसको घी और इलायची के साथ भूनेंगे, और फिर हम खोए के साथ इसको गार्निश करेंगे। बस अब मैं इसको पका रही हूँ, और ये कितनी देर में इसको पकाती हूँ मैं आपको इसकी कुकिंग टाइम में आप उसको जो है कुकिंग टाइम में आपको मेंशन कर दूँगी। तो चलें हम हलवे को चेक कर लेते हैं। हलवे को जो है तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मैंने जो है लिड देकर इसको रख दिया था। अब ये देखिए तकरीबन इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है, जो हमने दूध डाला था वो भी, और कैरेट का जो है अपना भी पानी होता है वो भी सारा जो है ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इलायची। मैंने 2-3 इलायची ले ली थी, मैंने रफली इसको जो है चॉप कर लिया था। और इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर, जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मैं अपने गाजर के हलवे में हमेशा डालती हूँ, और ये बहुत मज़े का लगता है। मैंने 1 टेबल स्पून जो है ये ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 कप घी। मेरे पास ये देसी घी है जो होता है, आप वैसे भी कोई नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। घी से जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऑयल यूज़ ना करें, आप घी ही यूज़ करें, बिल्कुल बाहर जैसा फ्लेवर आएगा। बस मैं इसको जो है थोड़ी सी आँच मैंने तेज़ कर दी है, और अब मैं इसको कंटिन्यूसली थोड़ा सा भुनूंगी ताकि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए, हमने जो घी डाला है वो सेपरेट हो जाए, और बस ये भुनाई के पॉइंट पे आ जाए। और इलायची की भी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी इसके अंदर आ जाए। देखिए मैं इसको भूनती जा रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून जितना खोया भी डाल दूंगी, और बाकी जो है हम गार्निश करेंगे खोया, तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। चाहे तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दें, कोई भी आपको आलमंड्स पिस्टेशू वगैरह अगर आपको पसंद है तो आप वो भी डाल दें, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई भी ड्राई फ्रूट मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ गार्निश करूँगी खोए और बादाम के साथ, क्योंकि मोस्टली लोग इसके साथ ही गार्निश करते हैं, और सिर्फ इसी के जो ये वाले 2 ड्राई फ्रूट्स हैं इसके साथ ही बहुत मज़े का लगता है। देखिए बस मैं इसको भूनती जा रही हूँ, और देखिए इसने बिल्कुल जो है पैन से सेपरेट हो चुका है, ये पैन से बिल्कुल अलग हो चुका है, ये भुनाई की जो है फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए हलवा हो चुका है तकरीबन रेडी। मैंने खोया भी डाल दिया था इसके अंदर, मैंने सारी दूसरी चीज़ें भी डाल दी हैं। आई होप आपको रेसिपी पूरी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको जो है 2 मिनट के लिए रख रही हूँ दम के ऊपर। सिर्फ 2 मिनट मैं रख रही हूँ दम के ऊपर, ताकि इलायची और घी वगैरह का जो है बहुत अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। 2 मिनट दम के बाद जो है फिर मैं इसको करूँगी सर्व। और ये लीजिए हमारी स्वीट डिश रेडी हो चुकी है, विंटर की स्पेशल रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाजर का हलवा, और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।